क्या पुलिस से भिड़ने के लिए तैयार है आप सब? हाँ तैयार हैं। मार देगा लेकिन हम लगे रहेंगे और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक काले कानून को खत्म नहीं किया जाता। लाठी चार्ज हो या कुछ भी हो, देखते हैं कितनी ताकत है इनमें, हमको कितना मारते हैं, मारे जितना मारे। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। राजद धरना प्रदर्शन करने निकली थी और आप देख सकते हैं कि राजद को रोक दिया गया है बैरिगेड से। जी हाँ, बैरिगेड से रोक दिया गया है। और ये देखिए, धक्का मुक्की चालू हो चुकी है और जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं वो पुलिस से भिड़ने के लिए तैयार हैं। और यहाँ पे जितनी भी महिलाएं हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि क्या वो पुलिस से भिड़ने के लिए तैयार हैं। पुलिस सरकार जनता की जनून मांगों को लेकर डरती है, इसलिए पुलिस को आगे करती है। हम लोगों को रोक दिया गया है। ये नरेंद्र मोदी को 40 में से 39 सीट बिहार की जनता ने दिया है। ये जातिगत जनगणना जब तक लागू नहीं करेंगे, आरक्षित कोटे का बैकलॉग लागू नहीं करेंगे, मंडल कमीशन की जो बचे हुए अनुशंसा उसको लागू नहीं करेंगे, हम लोग इसी तरह से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। आगे पुलिस जाने नहीं दे रही, क्या करेंगे अब? हम लोग को नहीं जाने के लिए दे रही है, तो यहीं से हम लोग जो है उसको डीएम के माध्यम से अनुशंसा हम लोग का जो मांग है वो डीएम को पहुंचाया। क्या देख सकते हैं कि पुलिस लगातार रोक रही है राजद के कार्यकर्ताओं को और राजद कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन करने के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन पुलिस उनको आगे बढ़ने नहीं दे रही। आप देखिए पुलिस कैसे रोक रही है राजद कार्यकर्ता और लगातार ये लोग नारे लगा रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि महिला पुलिस भी मौजूद है और यहाँ पे डट के खड़ी है महिला कार्यकर्ता लोग और लगातार नारे लगाए जा रहे हैं। देखना यह है कि क्या राजद कार्यकर्ता लोग आगे बढ़ पाएंगे, क्या महिलाएं तैयार हैं पुलिस का लाठी खाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल तैयार है हम लोग। ये जो महिला विरोधी सरकार है वो हम महिलाओं को भी कहीं नहीं बकसती है, इसलिए हम लोग सड़कों पर डटे हुए हैं जनहित की बात करने के लिए, मुद्दे की बात के लिए, और हम लोग डटे रहेंगे जब तक ये सरकार नहीं सुनती है। गेट लग चुका है, अगर लाठी चार्ज हो गया तो क्या करेंगे? तो ये सरकार सिर्फ लाठियां बरसाने की, जो उचित बात करता है, जो सही बात करता है उस पे लाठियां बरसाती है। ये महिला विरोधी सरकार है और हम लोग हैं डटे हुए, लाठियां बरसाएं। अगर पुलिस लाठी चार्ज कर देगी तो क्या करेगी महिला? तो मार खाएंगे। 23 मार्च को भी इन्होंने यही काम किया था, इनके बस का और कुछ है नहीं, बस मारेंगे ये। क्या महिला लोग पुलिस से भिड़ने के लिए तैयार है? बिल्कुल तैयार है, टकराएंगे, अपना जाति जनगणना नहीं कराएंगे तब तक उनको नहीं छोड़ेंगे, हम लोग टकराने के लिए तैयार है। क्या पुलिस से भिड़ने के लिए तैयार है? बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक काले कानून को खत्म नहीं किया जाता। हमारी सरकार डरती नहीं, हम आवाज उठाते रहेंगे और पुलिस हो प्रशासन हो कुछ भी हो, आज हम रुकने का काम नहीं करेंगे। क्या पुलिस से भिड़ने के लिए तैयार है आप सब? हाँ तैयार हैं, तैयार हैं। आगे जाने नहीं देगी तो क्या करेंगे? मार देगा लेकिन हम लोग खड़े रहेंगे। कब तक खड़े रहेंगे? हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं, अपनी मांगों को लेकर हम लोग जबरदस्ती समाहरणालय का घेराव करेंगे सरकार से। अगर अभी लाठी चार्ज हो जाएगा तो क्या करेंगे? लाठी चार्ज हो या कुछ भी हो, देखते हैं कितनी ताकत है इनमें, हमको कितना मारते हैं, मारे जितना मारे, हमें डर नहीं लगता, हम लड़ते रहेंगे। और जातीय जनगणना जब तक नहीं होती है, बिहार में लागू नहीं होता है, तब तक हम रुकने का काम नहीं करेंगे, हम नहीं रुकेंगे। और अगर आज लाठी चार्ज हुआ तो क्या महिला कार्यकर्ता आगे बढ़ेंगी या पीछे भाग जाएंगी? तो देखना यह है कि आज होता क्या है, क्योंकि पुलिस लगातार राजद कार्यकर्ताओं को रोक रही है बैरिगेट लगा के, ठेला ठेली हो रहा है और देखना यह है कि आगे बढ़ पाती है या नहीं। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।